तो इसके अंदर एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स, कोई मुझे बताएगा नेगेटिव चार्ज की पॉजिटिव चार्ज? नेगेटिव, एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, फालतू इलेक्ट्रॉन है, तो कितना चार्ज है? क्यू इज इक्वल टू 12V नेगेटिव साइन के साथ, तो माइनस 12V, क्यू इज इक्वल टू एनी नेगेटिव साइन, इज हेल्ड अंडर अ कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। हेल्ड का मतलब उसको पकड़ के रखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो रेस्ट पे है। इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट्स वैसे न्यूटन पर कूलम होते हैं, पर यहाँ पर वोल्ट पर मीटर है, एसआई सिस्टम है। मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा ये यूनिट सेम है, एक ही बात है, वोल्ट पर मीटर भी होते हैं, तो एसआई ई की वैल्यू गिवन है। और मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, तो मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में बता ही दिया कि वेट विल बी बैलेंस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। द डेंसिटी ऑफ ऑयल गिवन है और आपको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ द ड्रॉप निकालना है, क्या होगा। अब पहले मुझे एक चीज बताओ कि जब मैं एक ऑयल ड्रॉप लूंगा, उस ऑयल ड्रॉप के ऊपर जो चार्ज है क्यू, हमने क्या डिस्कस किया, वो क्या होगा, माइनस 12V, पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। पहला पॉइंट क्लियर है। मुझे ये बताओ, क्योंकि ये आपको सोचना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर मैं ऊपर ड्रॉ करूं या मैं नीचे ड्रॉ करूं, ई वेक्टर मैं ऊपर ड्रॉ करूं या नीचे ड्रॉ करूं ताकि ये स्टेशनरी रहे। कितने लोग कहते हैं कि ऊपर ड्रॉ करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर की डायरेक्शन कहां ड्रॉ करूं, ऊपर कि नीचे? नीचे कि ऊपर? ओके, इसका जो वेट है इसको नीचे गिरेगा, तो मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां चाहिए? ऊपर, मानते हो? इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊपर, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो अगर नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक ऊपर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगा? नीचे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे ही होता है। तो इसके अंदर ये ऐसा भी सोचा जा सकता है, क्योंकि ये नेगेटिव है तो मुझे फोर्स ऊपर चाहिए, तो ऑब्वियसली नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करेगा, ऐसे भी सोच लो। पर अदरवाइज वो भी तरीका ठीक है, वो क्या कि नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नीचे होगा ई वेक्टर, तो फोर्स एक्सपीरियंस, जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी एफ इज इक्वल टू क्यू इन टू ई, वो कहां पर होगी? ऊपर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑपोजिट एक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस का, तभी रेस्ट पे रहेगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी, क्यू ई इज इक्वल टू एम जी, क्यू की जगह क्या पुट करेंगे, मैग्नीट्यूड 12 ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। आपको क्वेश्चन में चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो पता ही होता है, ये आप यहाँ पुट कर लेना, आपको क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, डेंसिटी पता है, जी पता है, सॉल्व करके क्या जाएगा, आ रहा जाएगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक? वो क्यूब रूट में आएगा, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप क्यूब रूट में छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है कि कैसे क्वेश्चन में करना है, सोचना कैसे है? ठीक, ऑनलाइन क्लियर है? यस यस सर। क्यूब रूट में छोड़ना पड़ेगा। वैसे आंसर इसका है 9.8 × 10⁻¹⁷। ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू पढ़ें जरा। देखो क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई गिवन है। तो मुझे कोई ये बताए कि इलेक्ट्रॉन नीचे मूव कर रहा है, नीचे गिर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? ऊपर होगी। और दूसरे केस में प्रोटॉन नीचे गिर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी? नीचे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ फोर्स एक्सपीरियंस करता है और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के
ऑपोजिट करता है। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? अब इस केस में आपको वो कह रहा है इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है, प्रोटॉन नीचे गिर रहा है, आपको ये बताना है एक्सेलरेशन क्या होंगी और टाइम ऑफ फॉल क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक, अब इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर ये रहा, इलेक्ट्रॉन जब नीचे गिरेगा तो फोर्स एक्सपीरियंस क्या करेगा, क्यूई। उसने क्या पूछी, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्या होगी, क्यूई बाय एम। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, आंसर। तो एक आंसर आ गया एक्सेलरेशन का, ठीक है यहां तक, तो एक आंसर आ गया। अब टाइम कितना लगा उसको 4 सेंटीमीटर नीचे गिरने में, तो वो पहले इनिशियली रेस्ट पे था, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तभी वो नीचे आएगा, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में s 4 सेंटीमीटर को मीटर में, u आपको पता है 0, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्यू बाय एम हमने निकाल ली और टाइम, टाइम आ जाएगा अंडर रूट लेके। सेम क्वेश्चन अगर प्रोटोन के लिए करेंगे तो प्रोटोन की एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम रहेगी कि डिफरेंट? डिफरेंट क्यों? क्योंकि मास डिफरेंट है। तो क्योंकि जब आप यूज करोगे सेम फॉर्मूला, क्यू सेम है, ई सेम है, पर मास डिफरेंट है, तो ए डिफरेंट है, ए डिफरेंट है तो फिर टाइम भी क्या आएगा, डिफरेंट। ए डिफरेंट है, एस सेम है, तो टाइम डिफरेंट आएगा। तो क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो इस केस में सेम क्वेश्चन है, अगला जो पार्ट है प्रोटोन नीचे गिर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, पहला रूल। दूसरा रूल, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, क्यू ई बाय एम, लेकिन यहां पर मास 1.67 इंटू 10 रेज टू पावर -27, तो ए आ जाएगा। और फिर से एस इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू ए इंटू टी का स्क्वायर, ए की वैल्यू यहां पुट कर देना, यहां से टी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक कि कैसे सोचना है इसमें? ठीक, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये रहा, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करें प्लीज। मैंने हिंट दे दिया था पेंडुलम वाले क्वेश्चन का, बनाए डायग्राम और इसको सॉल्व करें, टेंशन के कंपोनेंट्स बनाएं। हाँ, एंगल देखो, इसके अंदर जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि कोई भी बॉब है, चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट है, तो QE लेफ्ट है, MG नीचे है, टेंशन के कंपोनेंट्स हैं, डायग्राम सबने बना लिया। फिर आपने क्या किया, इक्विलिब्रियम है तो T cos थीटा MG, T sin थीटा QE, इन्हें डिवाइड किया तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई। टेन थीटा में क्या किया, क्यू ई एम जी पुट किया, 0.5 के आसपास आंसर आया होगा। तो आपको लिखना होगा थीटा इज टेन इनवर्स 0.5102। आपको एंगल तो पता नहीं होगा, आप टेन इनवर्स में छोड़ दें, कोई बात नहीं। अगर आपको एंगल पता है, टेन इनवर्स 27 डिग्री है, तो 27 डिग्री आंसर है। आंसर
इसमें मिलीग्राम्स है, एमजी है, और मैंने यहाँ ग्राम्स के हिसाब से किया है, 10^-10^-3, तभी आंसर में वेरिएशन आ रहा है, तो वहां पर फिर ग्राम्स करना पड़ेगा, फिर आंसर सही बैठेगा। ठीक है, सही है, ठीक है, ग्राम्स कर लेना, कोई बात नहीं। चलो इन एनी केस, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ये हमने क्वेश्चन कर लिया, दो चार्जेस क्यू एंड माइनस क्यू डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर अपार्ट, क्या गिवन है? डायपोल, डायपोल का डिस्टेंस क्या है? 2a, 2a गिवन है, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? ई इक्वेटोरियल, तो आप ई शॉर्ट डायपोल के लिए लगा लेना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय, नहीं, p बाय आर क्यूब, इक्वेटोरियल में p बाय आर क्यूब, और p क्या होता है? q इनटू 2a। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है सेम टू चार्जेस 1 माइक्रोकूलम ऑफ ऑपोजिट साइन, यानी कि डायपोल है 1 सेंटीमीटर अपार्ट का मतलब 2a गिवन है, आपको 10 सेंटीमीटर पे मिड पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ डायपोल पे e निकालना है, तो आपको r गिवन है, तो आप फिर से एक्सियल लाइन का फॉर्मूला अप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। दो पॉइंट चार्जेस फिर गिवन है लेकिन डिफरेंट है, ये डायपोल नहीं हो सकता क्योंकि डायपोल के अंदर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होने चाहिए, तो Q1 Q2 गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, फाइंड पॉइंट ऑन लाइन जॉइनिंग देम एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0। आज का पहला क्वेश्चन यही तो था 2/3 मीटर वाला, कि जहां ई निकालना है वहां चार्ज प्लस 1 लिख लेना है। ठीक, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शुड बी रिमूव फ्रॉम अ कॉइन, आज हमने किया कॉइन में से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं? एन वाला क्वेश्चन, तो क्यू इज इक्वल टू एन ई, तो एफ इज इक्वल टू एम जी वाला क्वेश्चन, सेम इलेक्ट्रॉन प्रोटोन वाला क्वेश्चन आज हमने कर लिया, इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहा है, प्रोटोन नीचे गिर रहा है, सेम क्वेश्चन रिपीट है, ये भी क्वेश्चन सेम है, क्यू और माइनस क्यू 5 mm अपार्ट है, तो ये 2a गिवन है, तो डायपोल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल लाइन पे निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल पे निकालना है, नॉर्मल का मतलब इक्वेटोरियल पे निकालना है, तो फॉर्मूला एक्सियल का लगा लेना, इक्वेटोरियल में स्ट्रेट अवे वैल्यू हाफ कर देना, क्योंकि एक्सियल में फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाय आर क्यूब, इक्वेटोरियल में 0p बाय आर क्यूब, तो स्ट्रेट अवे हाफ हो जाएगा, बात खत्म हो गई। ठीक, नेक्स्ट क्या है? डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ, ये डायपोल और ये सब टॉर्क वाले प्रॉब्लम्स हैं, इसको हम बाद में करेंगे, पहले अगले टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं।